नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीएड में प्रवेश के लिए फ्रेशर के साथ शिक्षक पहुंचे परीक्षा देने, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने किया आयोजन। बदहाल गौठान सुने, सड़कों पर घूम रहे मवेशी, नई सरकार ने अब तक नहीं ली सुध। सिर्फ रे हेडमास्टर को किया निलंबित, हिंदू धर्म के खिलाफ वीडियो हुआ था वायरल, अपराध भी दर्ज। बैंबू पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा, मोपका का अनोखा म्यूजियम खतरे में। और धार्मिक कार्यक्रम में हथियार दिखाकर डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं, माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। बीएड और डीएलएड में प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने परीक्षा का आयोजन रविवार को किया। दोनों परीक्षा केंद्रों में 72% उम्मीदवार इसमें शामिल हुए। दो वार्षिक बैचलर डिग्री के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी परीक्षा देने पहुंचे थे। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने एजुकेशन में बैचलर डिग्री की अनिवार्यता के बाद से बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। सामान्य के साथ सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने प्री परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए बनाए गए दोनों परीक्षा केंद्रों शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज और बिलासा डिग्री कॉलेज में रविवार को उम्मीदवारों की भीड़ लगी थी। ठीक थे क्वेश्चंस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में थे, थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस थे मैथ्स में, कैलकुलेशन नहीं, जस्ट अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन रीड करके ही टिक कर सकते थे आंसर। क्वेश्चन तो आसान था, प्लस जो चीज़ें जो देखने को मिला है उसमें ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब लोगों का जो अनुभव है उनके आधार पर इनको सेट किया गया है, तो इसमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो लोग हैं उन लोगों के लिए उचित है, और जिसका जो एक्सपीरियंस कम है उन लोगों के लिए खास करके उनको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर हम बच्चों को समझ पाए, उसके स्तर को समझ पाए और उनके रुचिपूर्ण माहौल देकर उन्हें हम शिक्षा दे पाए, तभी हम टीचर अच्छे से बन पाएंगे। क्योंकि टीचर मतलब क्या है, वो बच्चे जो आए हैं बाहर से वो अभी गीली मिट्टी की तरह, उन्हें हम वो मूर्ति का आकार देना है और एक अच्छा भविष्य देना है उनको, एक अच्छा नागरिक बनाना है, भविष्य उनको अच्छा देना है। तो हमको उनके स्तर पे जाके उनके मनोभाव को सारी चीज़ों को समझ के शिक्षण कार्य करा पाएंगे, तभी सफल हो पाएंगे। एग्ज़ाम का क्वेश्चन अच्छा था, अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो टफ होता है, कुछ सरल होता है, अपना एक किसी सब्जेक्ट में विशेष पकड़ होता है वो अलग चीज़ होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विषय के साथ सामान्य अध्ययन को भी शामिल किया गया। टेट क्लियर कर चुके उम्मीदवार और कई सरकारी शिक्षकों ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भाग लिया। कुल 1216 में 877 ने परीक्षा दी, जबकि 339 गैर हाजिर पाए गए। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे अधिकारियों का तुगलकी फरमान लोगों के लिए परेशानी बन गई है। यहाँ जैमर से बात नहीं बनी तो वाहनों की हवा निकाली जा रही है। अफसरों के निर्देश के बाद आरपीएफ जवानों ने अभियान शुरू कर दिया है। रोजाना 50 से अधिक गाड़ियों में लॉक लगाने के साथ ही पहिए से हवा भी निकाली जा रही है। इससे वाहन चालकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई बार व्यवस्था सुधारने की कोशिश में अनावश्यक अव्यवस्था पैदा कर दी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है बिलासपुर रेलवे स्टेशन में, जहाँ पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए दिए गए सख्ती के निर्देश के बाद अब परेशानी खड़ी कर दी जा रही है। यहां खड़ी गाड़ियों की हवा खोल दी जा रही है। सीनियर डीसीएम का निर्देश अब तुगलकी फरमान में बदल गया है। ऐसा इसलिए कि इससे आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आरपीएफ के जवान अब रेलवे के सर्कुलेशन एरिया में घूम घूम कर ठेका कर्मियों से नो पार्किंग में खड़ी दोपहिया वाहनों में लॉक लगवाने के साथ साथ हवा भी निकलवाया जा रहा है। रोजाना लगभग 50 से अधिक गाड़ियों के साथ कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते स्टेशन आने वाले यात्रियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब तो ये फरमान आरपीएफ के जवानों के वसूली का भी जरिया बन चुका है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ
देखने को मिला। भाई था उसको मैं छोड़ने आया था, 10:40 की बात है, 10:40 छूट ट्रेन था आपका रायगढ़ में हो, महाजेश में जाके आया हूँ, ये फ्रेंड भी आने वाला था उस टाइम, ट्रेन डीला था 1 घंटे का और अवाई टाइम 10:40 का, उसके बाद जैसे स्कूटी यहाँ छोड़ के गया हूँ, पाव खोल दिए हैं बगैर यहाँ पर और क्या बोलते हैं लॉक लगा दिए, परेशानी हो रहा है पूरा दिख रहा है। अब हवा कहाँ से डलवा, अभी हवा का तो आइडिया नहीं है, खोले हैं वो आइडिया बताएंगे जो भी। तुगलकी फरमान से यहाँ पसरी अव्यवस्था में थोड़ा सुधार जरूर आ रहा है, मगर लोग इसे अव्यवहारिक मान रहे हैं। इस व्यवस्था ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस तरह से लोगों की गाड़ी की हवा निकालने से समस्या का समाधान हो पाएगा। लोग परेशानी या जल्दबाजी में ही नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करते होंगे। अब ऐसे में यदि गाड़ी की हवा निकाल दी जाती है तो यहाँ आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा और बिल्हा क्षेत्र में मिट्टी, मुरुम और लाल फर्सी पत्थर की बहुतायत है, लेकिन खनिज तस्कर इसकी तस्करी करने से भी पीछे नहीं है। इसके साथ ही क्षेत्र में ओवरलोड वाहन बिना खौफ धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। नींद से जागा खनिज विभाग सूचना मिलते ही ओवरलोड गिट्टी लेकर जा रहे 2 हाईवा और कोयला से भरी ट्रेलर को पकड़ा। कार्रवाई के बाद खनिज विभाग तीनों वाहनों को चकरभाटा थाने में रखवा दिया है। अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई दिखाने की है या फिर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासताल उद्यान की पूछ परख अब बढ़ने लगी है। ये उन सुविधाओं का कमाल है जिन्हें वन विभाग ने हाल ही में शुरू की है। घुड़सवारी, नौका विहार, सुबह की सैर और कैफेटेरिया जैसी सुविधाओं के कारण पर्यटकों को यहाँ आना भा रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का प्रभाव उद्यान को मिलने वाले राजस्व पर पड़ा है। अब यहाँ एक दिन में 8,000 रुपये तक राजस्व प्राप्त हो रहा है। पहले ये 1,500 रुपये से 1,700 रुपये तक सिमट कर रह गया था। आगामी दिनों में विभाग यहाँ और भी सुविधाओं का विस्तार करेगा। कोनी मार्ग पर स्थित यह बेहद खूबसूरत उद्यान है। हरियाली और तालाब के इस भ्रमण केंद्र का निर्माण लोगों का मनोरंजन था, लेकिन यहाँ जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका अभाव था। उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में इन्हीं कमियों की महसूस की गई और उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को सुविधाएं बढ़ाने का जिम्मा सौंपा। उच्च अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद बिलासपुर वन मंडल ने यहाँ एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 5 नई सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं। गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए जहां जहां गौठान बनाए गए अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गौठान की बजाय सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा दिखाई देने लगा है। शहर से लेकर गांव तक यही स्थिति है। सरकार बदलने के बाद यह योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। भाजपा की सरकार आते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गोठानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जिले के अफसर गोठानों को संचालन कागजों में कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में जिन गोठानों को दुरुस्त बताया जा रहा है मौके पर हकीकत कुछ और ही है। गोठानों के नाम पर लाखों का वारा न्यारा किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहाँ जहाँ गोठान का संचालन किया जा रहा है वह बस्ती से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मोपका स्थित शहरी गोठान की बात करें तो यहाँ भी इसकी दुर्दशा है। यहाँ एक भी गाय नहीं है। वहीं गोबर की खरीदी भी बंद हो चुकी है जिसके कारण गौ कास्ट बनना भी यहाँ थम गया है। शहरी गोठान में 3 स्व-सहायता समूह काम कर रहे हैं, लेकिन समूह के सदस्य बताते हैं कि अब पहले की तरह यहाँ काम नहीं है। वहीं पेमेंट को लेकर भी काफी दिक्कतें समूह को हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही योजना पूरी तरह से बंद होती दिख रही है। जिले के सभी आदर्श गोठानों का यही हाल है। लाखों रुपए खर्च कर गोठानों का निर्माण कराया गया था, अब इन गोठानों का आगे क्या होगा समय ही बताएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा पुलिस ने निजात अभियान के तहत बंधुआपारा तालाब के पास जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, कोतवाली CSP पूजा कुमार, DSP रोशन आहूजा, थाना प्रभारी सरकंडा जय प्रकाश गुप्ता सहित थाना स्टाफ चौपाल में मौजूद रहा। इस दौरान क्षेत्र में काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। पुलिस के समक्ष सभी ने अपनी समस्याओं की जानकारी दी। वहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षेत्र में शांति भंग करने की शिकायत भी अधिकारियों से की गई। अपराध में देखा गया कमी हुई है और अगर चोरी या कुछ कोई भी अपराध घटित भी होता है तो उसमें जल्द से जल्द डिटेक्शन भी होता है। और अगर आसपास के लोगों को थोड़ा सजग बनाए, अलग अलग जो भी अपराध हो रहे हैं कुछ भी हो रहा है तो हमारे साथ रहिए।
पाटनवार कुर्मी समाज के अधिवेशन में मस्तूरी विधायक ने बुजुर्गों का सम्मान कर उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलने उम्मीद जताई। सामाजिक एकता और अध्यक्ष पद का चुनाव कराने पर यहां चर्चा की गई। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में अधिवेशन का आयोजन रविवार को किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों ने दीप जलाया और पूजा पाठ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया का पाटनवार कुर्मी समाज ने स्वागत किया। सदस्यों ने पदाधिकारियों को 3 वर्षों की सेवा अवधि पूरा करने पर बधाई दी। अधिवेशन को सार्थक बनाने पाटनवार कुर्मी समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को विधायक लहरिया ने शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया और कहा, बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से समाज तरक्की करता है। उनके योगदान को नमन कर सभी आनंदित हुए। हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं और जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे माता पिता हैं, उन्हीं के बदौलत समाज आगे बढ़ता है। उनके मार्गदर्शक जो है, जो बताए हुए मार्ग में चलकर, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको पाटनवार समाज का जो एक ये निर्णय। और ये समाज अभी बीच में सिपत में भी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी मैं पहुँचा था। कई जो छात्र छात्राएँ हैं जो अच्छे अंक से पास हुए हैं, उनको भी सम्मानित किए। अधिवेशन में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटनवार ने कहा, उन्होंने अपने मौजूदा कार्यकाल में सभी को साथ लेकर चलने भरपूर प्रयास किया। युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ सामाजिक गतिविधियां निरंतर जारी रखी। हमने समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को सामने लाया, बुजुर्ग लोगों को सम्मान करके उनको सामने लाया और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण करने के लिए हमने आगे लाया। और इसी तारतम्य में हमने हर वर्ष समाज का अधिवेशन कराते हैं और युवाओं को हर 10वीं 12वीं युवाओं को या उच्च श्रेणी में जो है उनको पुरस्कृत करके हम समाज को आगे बढ़ाने का, उनको समाज में लाने का काम करते हैं। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर बालिकाओं ने सुंदर रंगोली से इंद्रधनुषी छटा बिखेरी। चर्चा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के अलावा सीपत में नवनिर्मित सामाजिक भवन के विस्तार के लिए आर्थिक सहयोग पर राय शुमारी की गई। महिला प्रकोष्ठ की तरफ से मिले सुझाव पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रीति पाटनवार ने किया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में चलने वाले भारी वाहनों से सड़क जर्जर हो गई है। इसके टूटे किनारों और बड़े बड़े गड्ढों को भरने CSIDC ने 2 साल पहले मरम्मत कराई थी, लेकिन सड़क की हालत फिर बिगड़ गई है। यदुनंदन नगर की ओर से भी लोग बड़ी संख्या में तिफरा होकर आना जाना करते हैं। यहाँ संचालित उद्योगों से निकलने वाला पानी और वेस्ट मटेरियल सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिससे इसकी स्थिति 2 सालों में ही खराब हो गई है। भारी वाहनों की आवाजाही तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में रोजाना होती है। इन गड्ढों और टूटी सड़क पर चलने सभी को परेशानी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद हेडमास्टर को उसके इस कृत्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। वहीं रतनपुर थाने में अपराध भी दर्ज हो गया है। 2 दिन पहले बेहद चौंकाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जिसने भी ये देखा उसके माथे पर बल पड़ गए। वायरल वीडियो में ग्रामीण बच्चे और उनके साथ कुछ युवकों को शपथ दिलाई जा रही है कि वो किसी भी हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानेंगे और उसकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। अफसोसजनक और विवादित वीडियो में शपथ दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शासकीय प्राथमिक स्कूल भरारी का हेडमास्टर रतनलाल सरोवर निकला। प्रमाण समेत जानकारी लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने हेडमास्टर रतनलाल सरोवर को आचरण का दोषी पाया, जिस पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि में उसे DEO कार्यालय में रहना होगा। 5वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार की शाम किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खुद की सुरक्षा का भाव पैदा करने, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष किए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। खेल में माहिर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इसी कड़ी में 5वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन शनिवार की शाम जिला खेल परिसर सीपत रोड सरकंडा में किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण मौजूद रहे। अतिथियों की मौजूदगी में शुभारंभ मैच खेला गया। इस प्रतियोगिता में 18 जिलों से 475 खिलाड़ी पहुंचकर हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों ने कहा, खिलाड़ियों के सर्वज्ञ विकास और आत्म सुरक्षा की भावनाओं को जागृत करने यह एक अच्छा प्रयास है। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर कैडेट, जूनियर बालक बालिका और सीनियर पुरुष महिलाओं के बीच एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की जद्दोजहद जारी है। संघ के पदाधिकारी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने लगातार जुटे हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। 27 जनवरी से प्रारंभ चौथ माता शक्तिपीठ माता मेला का आयोजन 2 फरवरी तक चलेगा। यह मेला उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल के अंतर्गत चौथ का बारवाड़ा रेलवे स्टेशन है। मेले के आयोजन को ध्यान में रखते हुए यहां ट्रेनों के अतिरिक्त ठहराव का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली बीकानेर बिलासपुर और बिलासपुर भगत की कोठी दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस गाड़ियों का चौथ का बारवाड़ा रेलवे स्टेशन में ठहराव की सुविधा दी गई है। यह सुविधा 30 और 31 जनवरी को दी जाएगी। हालांकि यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से दिया जा रहा है ताकि मेले में जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों को एक दूसरे गांव से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है। पहले इन गांवों में कच्ची सड़क हुआ करती थी जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब गाँव के मोहल्लों की कच्ची सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। राजकिशोर नगर से लेकर चिल्हाटी सड़क का कार्य जारी है। यह सड़क पिछले कई सालों से जर्जर थी लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। आखिरकार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नज़र इस जर्जर सड़क पर पड़ी, तब कहीं जाकर सड़क को पक्की सड़क में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीएड में प्रवेश के लिए फ्रेशर के साथ शिक्षक पहुंचे परीक्षा देने, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने किया आयोजन। बदहाल गौठान सुने, सड़कों पर घूम रहे मवेशी, नई सरकार ने अब तक नहीं ली सुध। सिर्फ रे हेडमास्टर को किया निलंबित, हिंदू धर्म के खिलाफ वीडियो हुआ था वायरल, अपराध भी दर्ज। बैंबू पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा, मोपका का अनोखा म्यूजियम खतरे में। और धार्मिक कार्यक्रम में हथियार दिखाकर डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिहर योजना के तहत वन विभाग ने बिलासपुर के मोपका में बैम्बू म्यूजियम बनाया है। यहाँ 18 प्रजाति के 2000 पौधे रोपे गए हैं। इस म्यूजियम की देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब तो पार्क के अंदर नशेड़ियों और मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके बाद भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मोपका में जिले की ये पहली बांस रोपनी है जिसे म्यूजियम का नाम दिया गया है। इसके पीछे तर्क है कि जिस तरह म्यूजियम में कुछ अलग तरह की चीजें नजर आती हैं और लोग उसे जानना चाहते हैं, इसी तरह बांस को लेकर भी यह जरूरी था। दरअसल बांस को हरा सोना भी कहा जाता है, लेकिन हरे सोने का ये पार्क अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पार्क को चारों ओर तार से घेरा गया था लेकिन अब यहाँ से तार गायब होने लगे हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा खंभों तक को तोड़ दिया गया है जिसके चलते इस पार्क के अंदर मवेशी आसानी से घुस जाते हैं। यहाँ की हरियाली को नष्ट किया जा रहा है। यही नहीं, अब यह पार्क नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है।
जगह जगह शराब की बोतल, पानी पाउच, डिस्पोजल का ढेर दिखाई देता है। रात के अंधेरे में यहाँ कई आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाने लगा है, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार अफसरों को इसे सहेज कर रखने की तक फुर्सत नहीं है। महत्वपूर्ण म्यूजियम अनदेखी का शिकार हो गई है। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में यहाँ के बांस सुरक्षित भी रह पाएंगे, इस पर संदेह है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में रात को खेले जाने वाले मैच के मद्देनजर मैदान में रोशनी बनी रहे, इसके लिए फ्लड लाइट का इंतजाम किया गया है। रघुराज सिंह स्टेडियम के पीछे लगे इस लाइट के खंभे कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। दरअसल समय समय पर लाइट्स को ठीक करने पाइप में सीढ़ी का प्रावधान किया गया है। इस सीढ़ी को यूं ही खुला रखा गया है। कभी भी कोई सनकी आदमी या फिर शराब पीकर इस फ्लड लाइट वाली सीढ़ी में चढ़कर तमाशा कर सकता है या फिर चढ़ने के बाद गिर भी सकता है, इसलिए इस फ्लड लाइट की सीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नगर निगम को विशेष पहल कर कोई आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। स्टेडियम के लिए जो लाइट लगी है बहुत अच्छी लाइट लगी है। क्रिकेट विकेट भी अच्छे से हो पा रहा है, रात को पहले दिन को ही हो पाता था, लेकिन स्टेडियम के लिए जो लाइट लगी है उसमें जो सीढ़ी दी गई हुई है उसको खुला छोड़ दिया गया है। उसको पैक कराने में ज़्यादा ही सुविधा है। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो कोई भी मानसिक किसी भी असामाजिक तत्व आके ऊपर चढ़ जाएगा और कोई ना कोई घटना हो जाएगी। तो निगम से निवेदन यही है कि उसको बंद करवा दिया जाए ताकि कुछ घटना ना घटे। आवागमन की सुविधा को बढ़ाने के लिए रोटरी क्लब द्वारा बनाए गए वर्षों पुराने नाले के ऊपर भाजपा शासनकाल में सड़क का निर्माण कराया गया था। यह सड़क भीड़ भाड़ से बचने के लिए दोपहिया वाहन चालकों या फिर पैदल चलने वालों के लिए बेहतर विकल्प बना, मगर वर्तमान में इस मार्ग में या तो वाहन खड़े कर दिए जाते हैं या फिर कूड़ा करकट का ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है। यही नहीं, देखरेख के अभाव में सड़क भी खराब हो चली है। कई जगह जहां गड्ढे हैं वहीं कई जगह सड़क ऊंची नीची हो गई है, जिससे लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसकी खराब हालत राजेंद्र नगर से लेकर लखीराम ऑडिटोरियम तक बृहस्पति बाजार के पीछे वाली सड़क में है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सफाई कर्मियों पर हमला और जेसीबी में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। अशोकनगर में अटल आवास के पास खड़े कुछ युवकों ने निगम कर्मियों से विवाद कर उन पर लाठी से हमला कर दिया। आए दिन मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मचारी सरकंडा थाने पहुंच गए। यहां काफी देर वे रुके थे। उनका कहना है कि जोन क्रमांक 7 अशोकनगर में अटल आवास के आसपास रहने वाले असामाजिक तत्वों से वे बेहद परेशान हैं। रविवार सुबह सफाई करने पहुंचे कर्मचारियों पर यहां खड़े कुछ युवकों ने विवाद कर उन पर हमला कर दिया और जेसीबी का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान कुछ युवकों ने कर्मचारियों को पीटने के इरादे से लाठी लेकर उन्हें दौड़ाया। पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि अक्सर होने वाला विवाद अपने स्तर पर ही वे सुलझाते हैं, अधिकारी उनके पक्ष में कभी नहीं आते। इस बात को लेकर वे अड़े रहे कि FIR विभाग की तरफ से कराया जाए। सफाई के लिए हमारे कर्मचारी निकलते हैं सुबह 8 बजे अपनी अपनी गाड़ियां लेके हर सभी जोनों में। तो आज जो है जोन 7 में जो है जेसीबी लेके रमेश लहरे गए हुए थे अशोकनगर में, अटल आवास के पास जो है वहाँ पे कुछ लड़के लोग खड़े हुए थे रास्ते पे। तो इन्होंने बोला कि जो है आप लोग साइड हो जाइए, मुझे कचरा उठाना है। तो लड़के लोग साइड नहीं हुए तो ये जेसीबी लेके साइड से अपना कचरा उठाने की कोशिश किया। उतने में लड़के लोग क्या किए कि वो पत्थर मार के और लकड़ी से इसके ऊपर हमला किए कर्मचारी के ऊपर और गाड़ी का कांच को तोड़ दिए। इसकी सूचना जो है वाहन प्रभारी, जोन कमिश्नर सभी को दिया गया है। 9:30 बजे घटना है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हुए हैं। तो हम सभी कर्मचारी जो है सकंडा थाने आए हुए हैं FIR के लिए, पर हमारे अधिकारी जब आएंगे FIR तभी हम लोग करवाएंगे। काफी देर के बाद यहां वाहन शाखा से अधिकारी पहुंचे और उन्होंने आरोपी युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। ये खमतराई में वार्ड 58 में चालक रमेश लहरे रोज रूटीन की तरह सफाई करने के लिए निकला। उसने फ़ोन करके बताया कि जैसे ही निकल रहा था तो वहाँ के लोग जो नशे करके बैठे हुए थे उन्होंने हटने से मना किया, तो गाड़ी साइड करके निकाला। ये तो इसमें जबरन का डंडे से
कांच की तोड़फोड़ कर दिया है और गाली गलौज करके मारपीट भी किया है इन्होंने। और नामजद इनके खिलाफ FIR की कार्रवाई तो करवा दी गई है सरकंडा थाना पे। कर्मचारियों को काम के दौरान अक्सर ऐसे असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है जिसे लेकर वे भयभीत भी रहते हैं। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदा चौक में कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक आयोजन कर रहे लोगों के खिलाफ माहौल बना दिया, चापर लेकर उन्हें मारने तक दौड़ाने लगे। किसी तरह समाज के लोगों ने थाना पहुंचकर मामले में कार्रवाई और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कोनी थाना क्षेत्र के बड़ी कोनी के पास चंदा चौक में पटेल मरार समाज के द्वारा 3 दिवसीय शाकंभरी जयंती मनाई जा रही थी, जिसका विसर्जन शनिवार की शाम किया गया। विसर्जन के दौरान कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर यादव मोहल्ला में रहने वाले किशन यादव, पिया यादव, करण यादव के द्वारा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होकर गाली गलौज की गई। साथ ही चाकू दिखाकर लोगों को डराते धमकाते हुए मारपीट भी की गई। गुस्साए पटेल मरार समाज के लोगों ने कोनी थाने में जाकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ खूब हंगामा किया। असामाजिक तत्व चाकू लेकर थाने तक गुंडागर्दी करते रहे। पटेल समाज के लोगों ने घटना को देखते हुए कोनी थाने का घेराव किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मोहल्ले वालों ने बताया कि कई घंटों तक उनके FIR नहीं लिखी गई। इसी बीच उत्पात मचाने वाले युवकों में से एक चापर लेकर थाने में भी घुस आया और एक ग्रामीण युवक की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। शाकंभरी देवी बैठारे रहे हन, है ना, तो विसर्जन करेला हमन ठंडा करे बार निकाले रहे हन बाजा गाजा के साथ। वो लड़का है आई से राउत पारा के दारू पानी पी के तो हंगामा लड़ाई झगड़ा छुरा चाकू चला दीज। हमन यहाँ 5 बजे से आए हन, अभी तक हमार कुछ कार्रवाई नहीं हो है। राउत पारा के अब मैं को नाम तो नहीं जाना था, दो जन लड़का तो एक जन है तो पकड़ाई से थाना में आके वहाँ हंगामा करी से चाकू चलाई से मोर बेटा ऊपर छुरा चाकू चला थे राउत पारा टूरा मन मैं नहीं जाना। FIR लिखवाने आए ग्रामीणों ने दबी जुबान में नाम न बताने की शर्त पर कहा कि चापर लहराने वाले युवकों द्वारा की गई ये पहली घटना नहीं है। उनकी गुंडागर्दी से पूरा मोहल्ला और वहां रहने वाले छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। रास्ता रोककर मारपीट करना, पैसे छीनना इनका रोज का काम है। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ने लगा तो स्थिति को संभालने के लिए दूसरे थानों से बल बुलाना पड़ा। कुछ दिनों से एक बार फिर से नवयुवकों की गुंडागर्दी सामने आने लगी है। आए दिन जगह जगह मारपीट की शिकायतें बढ़ गई हैं। पुलिस प्रशासन को इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। और इधर कोनी क्षेत्र में पटेल समाज के कुलदेवी माँ शाकंभरी देवी के विसर्जन कार्यक्रम दौरान हुए मारपीट के मामले में कोनी पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुणाल पिल्ले को गिरफ्तार कर कोनी पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला और न्यायालय में पेश कर दिया। गौरतलब है कि शनिवार शाम आरोपी कुणाल पिल्ले और उसके नाबालिग साथियों ने सामाजिक कार्यक्रम में डांस करने की बात को लेकर विवाद किया और मना करने पर लोहे के औजार से मारपीट कर फरार हो गए। मामले में पटेल समाज के द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोनी थाने का घेराव किया गया था। कोनी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया। नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षण गृह में भेजा गया है। घटना में इस्तेमाल किए गए औजार पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक 26 वर्षीय युवक ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। तलाशी के दौरान मृतक की पहचान सुमित लहरे के रूप में की गई, जो हिर्री का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इससे पहले भी उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसमें मृतक सुमित लहरे का दाहिना हाथ कट गया था। फिलहाल पुलिस परिजनों का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। थाना तारबहार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर लिंक रोड बुखारी पेट्रोल पंप के सामने हरीश ऑटोमोबाइल शॉप के संचालक हरीश गिहानी के द्वारा शॉप में बिना कोई वैध दस्तावेज के प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसरों की बिक्री करते पाया गया। हरीश गेलानी के ऑटो पार्ट्स शॉप से 8 नग मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर और 26 नग प्रेशर हॉर्न जब्त किया गया। दुकान संचालक के विरुद्ध धारा 133 का जाप्ता फौजदारी के तहत विधिवत कार्रवाई की गई है।
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।